खबर है यूपी के गोंडा से जहां हनुमानगढ़ी मंदिर की जमीन पर किया जा रहा है अवैध कब्जा। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जनपद के इटिया थाना क्षेत्र की जहां शंकर चौराहे स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर या बहोरीपुर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष विजय शंकर ने SDM सदर जिलाधिकारी गोंडा व मंडलायुक्त को देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में बताया कि राजस्व कर्मी बैकुंठ नाथ तिवारी व कानूनगो राकेश पाल के द्वारा पैसा लेकर 511 काटा संख्या जो सड़क में स्थित है, किसी कारण सड़क के नंबर से हटा नहीं है, उसी नंबर को कमल बाबू पुत्र राम सबूरे व बलराम पुत्र हनुमान पूर्व प्रधान जका उल्ला से बैनामा ले रखा है। उक्त जमीन को 513 व 512 घाटा संख्या में समायोजित कर दिया गया है, जबकि मौके पर 513 घाटा संख्या में हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है। वृक्ष लगे हुए हैं, शिवलिंग रखा हुआ है, जबकि राजस्व कर्मियों की सह पर विपक्षों के द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। या प्रशासन के द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तब उसे हटा पाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल होगा। पीड़ित पक्ष ने शासन व प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की यह रिपोर्ट। तहसील दिवस तो कानून को साहब ने काटा संख्या 511 को बढ़ाकर 513 में समायोजित है रोड में सर, लेकिन उसको 513 में बढ़ाकर नाप दिया और पीछे 512 में ज्यादा पैमाइश कर दी गई, जिस पर पुनः पैमाइश के लिए अब मंडलायुक्त DM साहब या उप जिलाधिकारी के यहाँ मैंने दरखास्त डाली, जिस पर फिर कानून को साहब अभी नहीं आए, तब तक के लिए मकान बनकर तैयार कराने की योजना बनी गई। कौन है कानून को? कानून को राकेश पाल, बैकुंठ तिवारी, जो लोग आए काफी पैसा 30,000 रुपया ले ली साहब, यहाँ से वहाँ ना भी, जबकि पहली पैमाइश हुई है तो सड़क ने छुआ कर 0 पॉइंट बनाया था, इस बार 12 फुट जमीन को छोड़कर उन्होंने 0 पॉइंट बनाया, जबकि 512 नंबर की 40x55 जमीन है, 45x55 जमीन है, जिसको पैमाइश ही नहीं किया और शाम को चले गए। पौधा पीपल का लगा हुआ, ये सामने पौधा है सर, हनुमान जी के गेट पश्चिम साइड में है, जिसके पीछे फूल पाती, चार पेड़ आम, बरगद का वृक्ष और ये शिवलिंग भी आपके सामने रखा हुआ है। इसे योजना बना रहे, रात को उठाकर फेंक देंगे, पीपल के वृक्ष को काट देंगे, जिसको मैंने मंडलायुक्त SDM साहब के यहाँ फोटो सहित और खसरा में हमारा दर्ज है सर।